आज है तारीख 23 और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो 24 और 2 दिन बाद पूरे देश में माँ दुर्गा के आराधना का त्यौहार नवरात्रि चालू हो रहा है। और ये नवरात्रि पूरे देश में अलग अलग राज्य में अपने तरीके से मनाया जाता है, अपने अपने कल्चर से मनाया जाता है। और मैं हूँ अभी गुजरात में और गुजरात का एक खास कल्चर होता है कि 9 दिन माँ दुर्गा का गरबे के साथ में एक आराधना किया जाता है। और यहाँ का ये सिर्फ गुजरात का नहीं अपितु ये पूरे देश में, और पूरे देश में ही नहीं अभी पूरे दुनिया में गरबे का ट्रेंड है और लोग पूरे दुनिया में ये फेमस है। गरबा लोग देश विदेश से लोग गुजरात के अंदर आते हैं गरबा देखने के लिए, लेकिन इस गरबा और इस खास नृत्य को देखने के लिए जब लोग देश और दुनिया से आते हैं तो इसके पीछे कितना मेहनत किया जाता है, आज वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आया हूँ। मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूँ यहाँ पे खास क्लासेस चलाई जाती हैं गरबा डांस के लिए, काफ़ी मेहनत किया जाता है। आइए चलते हैं हम लोग अंदर और लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि कितना मेहनत लगता है इन लोगों को इतना, मतलब इस तरह का डांस तैयार कर पाने में। आइए चलते हैं अंदर। फाइनली माँ दुर्गा का आरती ख़त्म हो गया है और अब धीरे धीरे आप देख रहे होंगे जैसे चारों तरफ सब लोग तैयारी में लगे हुए हैं। शायद से आज यहाँ पे एक कंपटीशन भी रखा गया है, यहाँ के जो ऑर्गेनाइज किए हैं उनके उनसे मेरा बात हुआ है तो यहाँ पे एक कंपटीशन भी रखा गया है और सर लोग से भी बात करेंगे। सर लोग से बात करने से पहले मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर ये लोग कितने दिन से अपना जो गरबा क्लासेज है कितने दिन से सीख रहे हैं या बचपन से सीख रहे हैं। अचानक से जो हमें गुजरात के अंदर इतना भव्य रूप में देखने को मिल जाता है तो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है। हालांकि ये पूरे दुनिया से लोग गुजरात के अंदर आते हैं देखने के लिए गरबा डांस। गरबा डांस ये पूरे दुनिया में इस तरह से फेमस है कि ये अब सिर्फ गुजरात का नहीं रह गया। पहले जब स्टार्टिंग में गरबा चलता था तो ये सिर्फ गुजरात और राजस्थान तक ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे जब इसका क्रेज बढ़ा तो पूरे दुनिया में इसको फेमस मिला और पूरे दुनिया से लोग आके यहाँ पर गुजरात के अंदर एक गरबा सीखते हैं और यहाँ से अपने स्टेट में अपने कंट्री में जाके करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात होती है। तो आइए चलिए हम एक एक करके लोगों से बात करेंगे यहाँ पे जितने लोग हैं गरबा कितने दिन से कर रहे हैं और कैसी तैयारी होती है, कितनी हार्ड तैयारी करनी पड़ती है, इनको उनके बारे में बात करेंगे। क्या नाम है आपका? धार्मिक राठौर। धार्मिक राठौर, तो धार्मिक अभी क्या करते हैं आप? मैं पढ़ता हूँ। पढ़ते हैं, कौन से क्लास में? धार्मिक मास्टर्स कर रहा हूँ। कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी आप जो ये ड्रेस पहने हैं, ड्रेस को पहले ड्रेस तो मुझे भी नहीं पता है। मैं हालांकि मैं 14 साल से गुजरात में हूँ और मैं जा के देखता था, लेकिन मैं कभी ऐसे पूछा नहीं लोगों से कि इस ड्रेस को बोलते क्या है, ये ड्रेस को बोलते केड़िया क्या? केड़िया केड़िया ड्रेस है, तो हर किसी को केड़िया ड्रेस ही बोलेंगे, अलग अलग होता है। अच्छा, तो आप कितने दिन से गरबा कर रहे हैं, किस उम्र से आपने करना चालू कर दिया था? मैंने 15 जब आप 15 के उम्र में हुए तो आपने करना चालू किया था, तो अभी यहाँ पे कितने दिन से सीख रहे हैं आप? 9 साल हो गए। 9 साल से सीख रहे हैं, या 9 साल से सीख के कहीं कंपटीशन में भी जाते हैं या सिर्फ ऐसे अपने एरिया में कंपटीशन के लिए जाते हैं? हाँ। तो कहाँ कहाँ तक आप गए हैं अब तक? बाटला प्लॉट कहीं रोफेल में गए हूँ। रोफेल में रोटरी क्लब। क्या नाम है आपका? यतीश गिरी। क्या करते हो यतीश? स्टूडेंट हो मैं भी। स्टूडेंट हो, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? 12th स्टैंडर्ड में, ज्ञानधाम स्कूल। ज्ञानधाम है 12th, तो आगे क्या करने की तैयारी है? आगे बस सीए करने का तैयारी है। तो आपके ड्रेस का क्या नाम है? इसको गामटी बोलते हैं। हाँ। रामलीला मूवी जो दिखाया आपने, अच्छा हाँ, उसमें हाँ। जो रणवीर सिंह रामलीला में रणवीर सिंह वो घूम घूम के वो जो करते हैं वो वाला है ना? अच्छा, तो कितने दिन से आप कर रहे हैं? मेरे को 7 साल होने को आ गए। 7 साल से हो गया। हाँ। तो कहाँ गए अब तक आप? मैं अभी मुंबई में भी कंपटीशन होते हैं वहाँ भी हम जाते हैं। अच्छा अच्छा। नवसारी तो, में भी हम खेलते हैं। अच्छा। और वलसाड में कंपटीशन होते रहते तो हम सब जाते रहते हैं। तो जाते हैं तो कभी जीत के भी आए कि सिर्फ कंपटीशन में जाके हिस्सा ले लेते हैं? अच्छा, तो सर लोग को मतलब क्रेडिट मिलना चाहिए, काफ़ी मेहनत करते हैं सर लोग यहाँ पे। अच्छा, तो आप लोग ये जो देखते हैं ना कि ये जो लोग पहले कंपटीशन में जाते हैं भव्य रूप में देखने को मिलता है, उससे पहले इस तरह का जगह जगह क्लासेस चलाया जाता है। हालांकि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ यहाँ पे, यहाँ सर से मेरी बात हुई थी तो सर बोल रहे थे कि 9 साल से ये मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे बच्चों को, जब यहाँ से छोटे बच्चे भी अगर मैं वहाँ पे उस साइड दिखाऊँ तो देखिए इतने छोटे उम्र से भी बच्चे आके कोशिश करते हैं कि सीखे और यहाँ से ये जो कल्चर है इस कल्चर को सिर्फ ना गुजरात में गुजरात के बाहर भी लेके जाए। आइए यहाँ पे कुछ और लोग हैं, इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? साहिर प्रजापति। साहिर, आपके भी ड्रेस का कुछ अलग नाम है कि? इसको भरवाड़ी बोलते हैं। भरवाड़ी जो आहिर लोग पहनते हैं। अच्छा,
तो आप मतलब क्या पूरा नाम अपना बताइए पहले तो। साहिर प्रजापति। साहिर प्रजापति तो भाड़वाड़ी के पहले, भाड़वाड़ी तो ये अलग हो गया ना, फिर क्या आप लोग में ही आता है? बस इस साल कुछ यूनिक करना था इसलिए नया अच्छा, चीज़ ट्राई किया है। अच्छा अच्छा, तो आप भी कहीं कंपटीशन में गए? हाँ, जाते वलसाड़ नवसारी वापी। कितने साल से कर रहे हैं आप? मैं पिछले 5 साल से इसी ग्रुप के साथ ज्वाइन हूँ। इसी ग्रुप से? तो अब तक कहाँ कहाँ गए आप करने के लिए? अभी वलसाड़ गया मैं रिसेंटली और नवसारी गया। अच्छा, अभी इस साल कितने दिन से तैयारी कर रहे हैं? इस साल तो लगभग 2.5 महीना हो गया। 2.5 महीने से कर रहे हैं, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ता है इन लोगों को। मैं थोड़ा कोशिश करता हूँ, सब लोग को थोड़ा सा देर हो रहा है तो मैं फटाफट बातें करके फिर यहाँ का आप लोगों को जो डांस है वो दिखाने की कोशिश करूँगा किसे, और फिर मैं लास्ट में भी मैं बात करूँगा कुछ यहाँ पे जो सर हैं, सर से बात करूँगा। यहाँ पे स्पॉन्सर है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे स्पॉन्सर एक मैम बैठी हुई हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करूँगा मैं। इससे पहले कि मैं स्पॉन्सर मैम से बात करूँगा, पहले मैं आप लोगों को यहाँ का डांस दिखा दूँगा, थोड़ा सा एक दो लोग से और बातें कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? हेतवी जोशी। हेतवी जोशी, क्या करते हैं? हेतवी LLB कर रही हैं। अरे वाह, LLB कर रही है, तो LLB के साथ साथ में आपने ये जो गरबा कर रहे हैं तो कितना दिन से कर रहे हैं आप? मैं 3 साल से। 3 साल? नहीं, आप करना कब से चालू किए थे? बचपन से या अभी? बचपन से, 4 साल से। चलिए ठीक है, बचपन से कर रहे हैं। आपका क्या नाम? मीशा वीरल पटेल। मीशा, तो ये आप जो अभी पहनी हुई है ड्रेस का क्या नाम है? ये चनिया चोली है प्रॉपर नवरात्रि। अच्छा, का नवरात्रि। हाँ। के लिए तो ये 9 दिन में अलग अलग होता है कि कुछ यही रहता है? हाँ, यही होता है, जैसे केड़िया भी पहन सकते हैं। अच्छा। जैसे डिपेंड ऑन किसको क्या पसंद है। हाँ, ठीक है, ऐसे फिल्मों में भी हम लोग देखते ही रहते हैं कि अलग अलग दिन पे अलग अलग तैयार करते हैं। क्या नाम है आपका? सुमित क्षत्रिय। सुमित क्षत्रिय, कितने दिन से कर रहे हैं सुमित? मेरा ये दूसरा साल इनके साथ। दूसरा साल यहाँ पे कितने दिन से सीख रहे हैं आप? 2.5 महीने हो गए यहाँ पे करके। तो यहाँ से सीख के आपने यहीं पे करना चालू किया? Yes, कि बचपन से आप कर रहे हैं? बचपन से, एक्चुअली हम लोग यहाँ से नहीं, नेपाल से। अच्छा। तो पापा मेरे बहुत अच्छा गरबा खेलते हैं। अच्छा। तो उनसे ही सीख के आगे खेला है। अच्छा, तो आप नेपाल से हैं? बिल्कुल। देखिए, मैं जैसे आप लोगों को शुरू में ही बताया कि ये सिर्फ गुजरात में नहीं, अभी तो पूरे दुनिया में फेमस है और नेपाल से भी लोग आते हैं और यहाँ पे इस डांस का आनंद। चलिए ठीक है, तो मैं फिर लास्ट में मिलता हूँ आप लोगों को, दिखाता हूँ किस तरह से लोग मेहनत कर।
अभी आप लोगों ने देखा कि कैसे अभी से बड़े ही नहीं, यहाँ पे बच्चों लोगों का उत्साह देख के मुझे अंदर से ऐसा हो रहा है कि भाई मतलब गजब है, ये लोग कमाल कर दे रहे हैं। वैसा अपने को चला, मैं तो चल भी नहीं सकता, जो हम लोग सीखे नहीं हैं या जो लोग सीखे नहीं हो तो चल भी नहीं सकते। तो ये बचपन से तैयारी कर रहे हैं, इतने दो चार बच्चे अभी हैं, मैं बात करूँगा इन लोगों से और इन लोगों की एज क्या ये जानूँगा। क्या नाम है आपका? अश्वी। अश्वी कितने साल की हो अश्वी? सेवन ईयर। सेवन ईयर के अश्विन, क्या करते हो अभी? पढ़ाई करती हो? हाँ। और क्या पसंद है? पढ़ाई करना पसंद है? हाँ। डांस करना? हाँ। कैसा लग रहा है डांस करके? अच्छा। मजा आता है डांस करने में? हाँ। कब से सीख रही हो? कब से सीख रही हो? तीन महीने से। चलिए काफी अच्छा कर रहे हैं आप। हाँ, मम्मी सिखाती है घर पे कि आप आके यहीं पे सीखते हो? यहाँ पे। अब मम्मी के साथ में घर पे प्रैक्टिस नहीं करते? थोड़ा। क्या नाम है? वक्ष पटेल। वक्ष पटेल कितने साल के हो? वक्ष दस। दस साल के हो, क्या करते हो? कितने पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि? हाँ। पढ़ाई में मन लगता है? हाँ। मन लगता है पढ़ाई में? और डांस में? हाँ। डांस में भी मन लगता है। कब से सीख रहे हो? तीन साल हो गए। गरबा तीन साल से कर रहे हो? कितने साल की उम्र से चालू कर दिया था? बचपन से यानी? सेवन ईयर। अच्छा, और मम्मी घर पे सिखाते हैं कि सिर्फ यहीं पे आके सीखते हो? यहाँ पे। यहीं पे सीखते हो? कैसा लग रहा है डांस करके? अच्छा लग रहा है। मजा आता है डांस करने में? हाँ। सर अच्छा सिखाते हैं आके? हाँ। क्या नाम है आपका? मयूर। मयूर कितने साल के हो? मयूर 13। 13 साल के। अच्छा, पढ़ाई वढ़ाई? हाँ करता हूँ। मन लगता है पढ़ाई में? हाँ। और डांस में? करता है मन। डांस में भी मन लगता है? हाँ। अच्छा, ये गरबा करके कैसा लगता है? मजा अच्छा, आता है? हाँ मजा आता है। कौन कौन करता है? पापा भी करते हैं डांस? नहीं, पापा नहीं करते। तो प्रैक्टिस कैसे करते हो घर पे? घर पे प्रैक्टिस मतलब सिर्फ यहीं पे करते होते? हाँ। तो यहाँ के बाद अभी ये प्रैक्टिस के बाद नवरात्रि चालू होगा तो कहाँ जाओगे करने? बिल्डिंग के सोसाइटी में ही होता है। अच्छा, बिल्डिंग के सोसाइटी में करोगे। क्या नाम है आपका? क्रिश कटारमल। क्रिश क्या खा रहे हो? झींगा। डांस करते करते मुँह सूख गया? मुँह सूख गया डांस करते करते। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो? कौन से क्लास में? एट में। यस। और कैसा गरबा में कैसा मन लगता है गरबा करने में? बहुत। कौन कौन करता है घर में गरबा? मेरी बहन, मम्मी। मम्मी भी करती है? मम्मी कहाँ है? लड़की की एग्जाम से 12 की। अगर मैं आऊंगी तो वो कैसे आ पाएगी? अच्छा, चलिए आप एग्जाम में बिजी है, इधर आओ। क्या नाम बताया था आपने शुरू में मुझे मिले थे तो? अनंत। क्या करते हो अनंत? पढ़ाई वढ़ाई कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। पढ़ा तो अभी गरबा कितने दिन से सीख रहे हो आप? मेरे को दो ढाई महीने। तो ये पहला साल ही सीख रहे हो? नहीं, मैंने एक बार 2018 में एक बार खेला था। अच्छा, फिर अब खेल रहा हूँ। 2018 में तो दो साल वैसे भी कोरोना की वजह से गैप हो गया है। बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं ये और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इन बच्चों के लिए लाइक और कमेंट तो जरूर करना। हम सर से लास्ट में वीडियो में बात करेंगे। अभी बच्चे हैं, अभी दूसरे राउंड का चालू करेंगे। अभी ये सब बच्चे हैं, अभी पहला राउंड खत्म हुआ है। पहले राउंड के बाद ये दूसरा राउंड चलेगा। आज कंपटीशन है इन लोगों का, तो देखते हैं कंपटीशन में अभी कैसा रहता है। अभी दूसरे राउंड के बाद हम लोगों से फिर बात करेंगे। फाइनली अभी ये लोगों का जो गरबा कंपटीशन था ख़त्म हो गया है। भाई साहब बता रहा हूँ, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला कंपटीशन था। इसमें अभी किस आधार पे ये लोगों ने फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह का प्राइज रखा हुआ था, लेकिन मुझे अगर देना रहे तो मेरे हिसाब से तो हर कोई फर्स्ट विनर ही था। जो पूरा डांस कॉम्पिटिशन था इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बाकायदा एक स्पॉन्सरशिप रखा गया था और स्पॉन्सरशिप जिन्होंने लिया था हम उनसे बात करेंगे और देखें। आइए चलिए, हम जिन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज करवाया था हम उनसे बात करने की कोशिश करें। हालांकि यहाँ पे हर एक बच्चे के हाथ में आप लोग देखेंगे हर किसी के हाथ में प्राइज पड़ा हुआ है और इस तरह से देखिए खुशी इन लोगों का, ऐसे देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेहनत के बाद जो प्राइज आता है तो उसका कितना महत्व होता है। और इस पूरे कंपटीशन के दौरान मेरे पीछे अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से एक बड़ा सा प्राइज फर्स्ट प्राइज रखा गया है। लोगों की खुशी देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेहनत कितनी रंग लाई है जो इनके हाथों में एक प्राइज आया हुआ है।
और हम चलिए बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो सर हैं जिनका लगातार मेहनत बना रहता है और ये कितने सालों से कर रहे हैं, वो अपना पहचान और अपना काम अपना वो खुद ही बताएंगे, वो अपना इंट्रोड्यूस खुद ही करेंगे। सबसे पहले हम बात करने की कोशिश करेंगे, ये जो पूरा कार्यक्रम इन्होंने स्पॉन्सरशिप करवाया था तो हम इनसे बात करेंगे। पहले तो मैम अपना परिचय दीजिए आप। मैं तारा शर्मा, मेकअप और मेहंदी आर्टिस्ट हूँ। अलंकृता एकेडमी है हमारा, अलंकृता नाम से स्टूडियो है गुंजर में। तो अभी आपने कुछ इससे पहले मैं देखा कि प्राइस से पहले आप कुछ लोगों को ऑफर कर रहे थे, क्या था? आप प्रमोशन कर रहे हैं अपने बिजनेस का? हाँ, वो मैं मेकअप करती हूँ तो मुझे अलग नया नया चेहरा चाहिए होता है कि मैं कुछ अलग कर सकूँ, अपना आर्ट दिखा सकूँ लोगों को, तो इसलिए फिर मैं उनको सामने से ऑफर देती कि किसी को इंटरेस्ट होगा पोर्टफोलियो वगैरह बनाने के लिए तो वो आ सकते हैं मेरे पास, तो मैं उनको कुछ अलग कर सकूँ। ओके ओके, चलिए अगर आप लोग वापी के आस पास से हैं या वलसाड़ या कहीं आस पास से हैं, आप यहाँ तक आ सकते हैं, तो मैं मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप लोग उनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इस पूरे जो गरबा डांस का ये पूरा कार्यक्रम होता है और इसके पीछे जो मेहनत होता है, तो यहाँ पे रुपेश सर है, रुपेश सर से बात करेंगे। पहले तो रुपेश सर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये कल्चर को आप आगे लेके जा रहे हैं लोगों के बीच में, क्योंकि ये कल्चर बना रहेगा आने वाली पीढ़ी तक ये पहुँचना बहुत ज़रूरी था, तो आप लोग बहुत एक सराहने काम कर रहे हैं। कितने साल से आप करा रहे हैं? पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा, जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम ये 9 साल से कर रहे हैं। अच्छा। पहले हम कहीं और जाते थे सीखने। अच्छा। सीखे, देखे, हमें लगा कि हमारे यहाँ पे एरिया में है नहीं ये चीज़। अच्छा। तो हम सोचे कि हमारे बच्चे भी खेलें, आगे बढ़े, हम आगे और मैसेज पहुँचाएँ इस चीज़ को लेकर। अच्छा, मैं देख रहा था कि यहाँ पे 3 ग्रुप में डांस किया जा रहा था, तो ये आप लोग तीनों सर अलग अलग अपना अपना ग्रुप है कि कैसा है? हाँ, तीनों सर हैं और तीनों सर का ग्रुप हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का कारण ये है कि सब बच्चे को अच्छी तरीके से एक तरह का कंपटीशन मिलता है सामने वाले को और बेस्ट करने की कोशिश करता है। यहाँ पे नीलेश सर है, हम नीलेश सर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। नीलेश सर, 2 मिनट चाहिए आपसे। आप डांस कैसे सिखाना स्टार्ट किया और कैसे आपके मन में आया कि इस तरह से बच्चों को गरबा क्लास कराना चाहिए, और कैसा? सच बोलूँ तो जब हम लोग छोटे थे तब हम लोग को यहाँ से बहुत दूर यानी चला या गुंजन जाना पड़ता था। अच्छा। उसके लिए हमारे 10 दोस्त होते थे जिनमें से सिर्फ 1 या 2 के पेरेंट्स मानते थे, फिर भी हम लोग ट्रिपल सीट या कैसे भी करके गुंजन या चला या टाउन दूर दूर जाकर गरबा क्लास करते थे। फिर हमने सोचा कि यहाँ के जो लोकल के बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमने सोचा उनके लिए कुछ किया जाए, कम रेट में ज़्यादा बच्चे सिखाया जाए कि उनके भी पेरेंट्स अलाउ करें कि एकदम नज़दीक में है, ज़्यादा ट्रैवलिंग करना ना पड़े, बस ये सोच के हमने शुरुआत की थी। आज देखते देखते 9 साल हो गया। अच्छा, अभी लगभग कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास इस समय 150 बच्चे हैं। 150 बच्चे हैं, चलिए तो काफ़ी मेहनत होता है ये सब जो पूरा हमें पूरे सिर्फ एक एकेडमी की बात नहीं है ये जो आप पहले तो सर ये इनका बोर्ड हम दिखा दें, वीजे से कंपटीशन 2K। अच्छा, आपने कुछ नया लिखा है 2K 2022 को, तो ये सिर्फ यहाँ पे वापी में नहीं, ऐसे इस तरह का कंपटीशन पूरे ऑल ओवर गुजरात में रखा जाता है इस कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। चलिए ठीक है, फिर हम बात को ख़त्म करते हैं। सर, और कुछ बोलना चाहेंगे आप अपने इसके बारे में? मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो हमारा कल्चर है यानी जो इंडियन कल्चर, उसमें बहुत सारे अलग अलग त्यौहार होते हैं, पर हर एक त्यौहार का एक मतलब होता है। इतना ये जो रंगों का त्यौहार है, अलग अलग रंग बिरंगे जो लोग ड्रेस पहन कर आते हैं, इसे देखकर बहुत आनंद आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें हर एक कलर खिल के आता है, 9 दिन में 9 कलर खिल के आता है। माँ दुर्गा को 9 दिन 9 तरीके से उनको खुश करने की कोशिश की जाती है। चले मनीष सर, थोड़ा बिजी लगते हैं, बाकी काफ़ी लंबा हो गया है वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी मज़ा आया होगा ये वीडियो देख के। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो और इन लोगों का मेहनत आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। और इस पूरे बातचीत के दौरान सर और कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर कुछ बोलना चाहते हैं? एक चीज़ बोलना चाहूँगा, पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने ज़रूरी समझा यहाँ पर आकर हमारे स्टूडेंट्स और हमारा इंटरव्यू लिया। सर मेरा काम है लोग जो मेहनत कर रहे हैं मुझे दिखाने का काम है, तो ये मैं कोई ऐसा नहीं, मेरा काम है समाज के बीच में, समाज का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जो दूर रह जाती है, यहाँ तक पहुँच नहीं पाते, हम कोशिश करेंगे कि ग्राउंड लेवल तक आके लोगों तक हकीकत दिखाने की कोशिश करेंगे। इससे एक और फ़ायदा हो गया, और जो 4 लोग देखेंगे तो मेरे स्टूडेंट्स थोड़े से और बसेंगे, तो उसमें मेरा ही फ़ायदा है। तो सर का फायदा होना चाहिए भाई, इतना मेहनत कर रहे हैं तो सर का फायदा होना चाहिए। बाकी आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए।
और इस पूरे बातचीत के दौरान इस ये जो पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ इसके बीच में मेरे साथ लगातार बने रहे पीयूष यादव के साथ मैं मनोज चौहान, आप देखते रहिए सौर्य भारत 365।